दुर्ग के मठपारा में बीती रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है। दुर्ग में एक बार फिर आपसी विवाद के चलते हत्या की घटना हुई। आपको बता दें कि बीती रात दुर्ग में जमकर चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक दादू देशमाने पुराना अपराधी बताया गया है और हत्या के मामले में पूर्व में जेल भी जा चुका है। दादू देर रात मोहल्ले में खड़ा था, इसी बीच उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद देर रात दादू का लहूलुहान शव दुर्ग के मठपारा के दरोगा गली में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना सिटी कोतवाली को दी, जहां मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने पहुंचते ही विवेचना शुरू कर दी। बता दें कल रात दुर्ग में माता की चुनरी का आयोजन किया गया था, जिसमें चुनरी का नगर भ्रमण निकाला गया, जिसके चलते शहर के स्टेशन रोड से चंडी मंदिर मार्ग में देर रात तक काफी भीड़ का माहौल रहा। बहरहाल इस घटना में पता चला है कि मृतक दादू देशमाने की चाकू और पत्थर से मारकर हत्या की गई है। मृतक दादू कैटरिंग का काम किया करता था, वहीं हत्या का कारण आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद विवेचना शुरू की गई। 7 और 8 अक्टूबर की रात को लगभग 12 से 1 बजे की घटना है, जिसमें मठपारा चंडी मंदिर के पास एक दादू नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने FIR कराई और उसमें 3 लोगों का नाम लिया। जो 3 लोग थे अनिल साहू, विशाल देवांगन, किशन यादव, तीनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और तीनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि दादू नामक व्यक्ति जो मृतक है वो उनका और जो अनिल है इनका पहले भी आपसी विवाद था, तो उसी के चलते कल ये घटना कारित की गई। हाँ, इसमें घटनास्थल से एक मोटे पत्थर के द्वारा दादू के ऊपर हमला किया गया था और उसको बरामद किया गया। बाकी जो भी घटनास्थल पे जो जो एविडेंस है सबको गैदर करके उनको जांच के लिए भेजा गया। हाँ, चाकू से भी हुआ है, वो भी सीज किया गया। अंतर्गत चंडी मंदिर के पास की घटना है, जो दरोगा गली है वहाँ पर से रात को पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 12:30 बजे के आसपास कि कुछ लोग आपस में लड़े हैं और व्यक्ति घायल होकर पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो पुलिस तत्काल वहाँ पर सूचना मिलने पर पहुँची और पहुँचने के बाद वहाँ पर लोगों को हटा करके बॉडी को वहाँ से हटाने का प्रयास किया और कहा कि पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ लोग आपस में वहाँ पर बैठे हुए थे और कुछ बात को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था, जिससे कि उनके बीच में मारपीट हुई और मारपीट का जो विवाद है और आगे बढ़कर हत्या में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने लोगों से बातचीत की, वहाँ पर लोगों से पूछताछ की, रात में ही जो आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करके अभी तत्काल उनको अपने हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक जो है वो दादू देशमाने नाम है उनका, वो पहले से ही एक हत्या के प्रकरण में अभी वो जमानत पे 2016 में वो एक प्रकरण में हत्या के प्रकरण में जेल भी गया था और साथ ही वो वहाँ का एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, वो पहले भी उसके साथ अपराध जुड़ा हुआ है। परंतु जो कल रात की जो घटना घटी है वो आपस में मारपीट की घटना है और साथ ही जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं कि कुछ पुरानी रंजिशें भी थी आपस में, जो उनकी जो पत्नी है उन्होंने बताया कि एक अनिल साहू था जो अपने भाई की मृत्यु का कारण उसको मानता था और वो भी उस समय वहाँ पे था, तो उसकी संलिप्तता उसकी बताई गई है। और साथ ही एक गोलू देवांगन करके जो लड़का है और साथ एक किशन यादव करके हैं, ये 3 लोग अभी मेन नामजद आरोपी बने हुए हैं अभी और आगे की पूछताछ की जा रही है और संदेहियों को लाके भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।